दैनिक पाठ योजना विवरण 10 यूपी डीलर थर्ड सेमेस्टर। इधर लिखेंगे विषय हिंदी, प्रकरण है चांद का कुर्ता, कक्षा है 3, समयावधि है 30 मिनट। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे सामान्य देश, इसमें लिखेंगे पहला छात्रों में मातृभाषा हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा लिखेंगे बालकों को कल्पना शक्ति का विकास करना, थर्ड लिखेंगे छात्रों में भाषा संबंधी ज्ञान को अभिव्यक्त कराना, चौथा पॉइंट लिखेंगे शब्द भंडार में शक्ति भंडार शब्द भंडार में वृद्धि करना, पांचवी हेडिंग डालेंगे पांचवा पॉइंट लिखेंगे शुद्ध हिंदी को अधिगम करने तथा क्लिष्ट शब्दों के उत्पन्न में जो है समय बनाना, उनमें मतलब संबंध बनाना। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी विशिष्ट उद्देश्य, इसमें लिखेंगे बालकों में हिंदी चांद के विषय में जानकारी देना। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी पूर्व ज्ञान, इसमें लिखेंगे छात्र चांद को देखते व जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री, इसमें लिखेंगे चांद का चित्र, श्यामपट, चाक और किताब आदि। नीचे बढ़ेंगे अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, इसको 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे, क्रम संख्या छात्राध्यापक कथन छात्र कथन। पहला क्वेश्चन लिखेंगे इसका आंसर, सेकंड जो है इसको क्वेश्चन, इसका आंसर, थर्ड ये क्वेश्चन और इसका आंसर लिख लेंगे जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार, और चौथा क्वेश्चन जो है इसको लिखेंगे इसका आंसर भी जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार नोट कर लेंगे। नीचे बढ़ेंगे अगला पॉइंट होगा हमारा आदर्श वाचन, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा स्वर की स्पष्टता उच्चारण की शुद्धता के साथ साथ पाठ का आदर्श वाचन करेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अनुकरण वाचन, इसमें लिखेंगे शिक्षक पढ़ने के बाद बच्चों से अनुकरण करा वाचन कराएगा। यहाँ पर डालेंगे प्रथम अनुविति, इधर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, इसमें लिखेंगे हक कर बैठा डैश जादू टोने। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम स्पष्टीकरण, इधर लिखेंगे शब्द, इधर लिखेंगे विधि, इधर लिखेंगे अर्थ। इन शब्दों को, इनके विधि को और इनके अर्थों को लिख लेंगे जैसे लिखे हैं उसी प्रकार से, नीचे भी कुछ शब्द और अर्थ हैं इस प्रकार से, यहाँ पर भी इनको लिख लेंगे जैसे लिखे हैं उसी प्रकार से। नीचे बढ़ेंगे अगली हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न, इसमें इन तीनों प्रश्नों को नोट कर लेंगे और इनके आंसर भी जैसे लिखे हैं उसी प्रकार नोट कर लेंगे। नीचे बढ़ेंगे अगली हेडिंग डालेंगे द्वितीय अनुविति, तो इसमें डी लिखेंगे, पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण, इसमें लिखेंगे जाड़े की डैश में आए। आदर्श वाचन में इसको लिख लेंगे जिस प्रकार लिखा, अनुकरण वाचन में इसको लिख लेंगे जिस प्रकार लिखा है। नीचे डालेंगे उच्चारण शोधन, इसमें लिखेंगे अंगुल आँखों और लिखाए। नीचे बढ़ेंगे तो अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में शब्द विधि और अर्थ जैसा ऊपर लिखा था उसी प्रकार से इन चारों को नोट कर लेंगे जैसे लिखा है उसी प्रकार। नीचे बढ़ेंगे अगली हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न, इसमें इन तीनों प्रश्नों को लिखेंगे, उनके आंसरों को जैसे लिखे हैं उसी प्रकार नोट कर लेंगे। नीचे बढ़ेंगे अगला कार्य होगा हमारा श्यामपट कार्य, इसमें लिखेंगे स्पष्टीकरण का कार्य श्यामपट पर ही कराया जाएगा, ब्लैक चार्ट का टुकड़ा काटकर अपनी फाइल पर चिपकाएंगे, इधर लिखेंगे शब्द, इधर लिखेंगे अर्थ और इन चारों शब्दों को, इनके अर्थों को नोट कर लेंगे व्हाइट स्पार्कल पेन की मदद से। नीचे बढ़ेंगे अगली हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा तथा छात्रों को श्यामपट कार्य लिखने का आदेश देगा। अगली हेडिंग डालेंगे गृह कार्य, इसमें लिखेंगे सभी लोग बोध प्रश्नों के उत्तर तथा लिखाए गए शब्द अर्थ याद करके आएंगे। तो इस प्रकार से पाठ योजना 10 हमारी कंप्लीट होती है, पाठ योजना 11 हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।